मिथ वर्सेस फैक्ट्स, सच क्या और झूठ क्या। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ तिलक चावला। न्यूज वन इंडिया कोशिश करेगा सच क्या है झूठ क्या है वो हम आपको बताएंगे। हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़ेंगे। कोची में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को पहला स्वदेशी विमान वाहक पोत दिया, यानी कि INS विक्रांत देश को समर्पित हुआ। आज हमारा पहला मुद्दा यही होगा, इस बाहुबली INS विक्रांत भारत, अमेरिका, ब्रिटेन, रूस, फ्रांस और चीन जैसे चुनिंदा देशों की लिस्ट में शुमार हो चुका है। ये देश खुद विमान डिजाइन करते हैं, निर्माण करते हैं और उसमें भारत भी है। और इसके मायने क्या है, क्यों कहा जा रहा है इस बाहुबली और इसके मायने, क्यों सहमा हुआ है पाकिस्तान और चीन। वहीं दूसरा मुद्दा होगा 2024 का चुनाव, मोदी बनाम समूचा विपक्ष, कैसा होगा यह चुनाव। भारत में इस वक्त 2024 की तैयारियां अभी से ही शुरू हो गई है। चुनावी मौसम दूर है मगर राजनीति के मौसम विशेषज्ञ अभी से ही हवाओं का रुख भांप रहे हैं, राजनीतिक नफा नुकसान तोल रहे हैं कि आखिरकार 2024 का चुनाव किस ओर जाएगा। तो दो खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे, आज बेहद दिलचस्प चर्चा होगी। कोई चिल्पो नहीं, कोई राजनीतिक मेहमान नहीं, इसमें होगा सिर्फ और सिर्फ फैक्ट्स का जिक्र, एक तरफ मिथ और दूसरी तरफ फैक्ट्स। इसलिए तथ्यों को समझना है, तथ्यों को जांचना है, तथ्यों को ही आगे पहुंचाना है। तो हमारे साथ आज ये दो मेहमान जो आपकी स्क्रीन पर होंगे, उनसे आज करेंगे इन्हीं दो विषयों पर चर्चा। आज बात होगी फैक्ट और मिथक। तो ये दो चेहरे आपके सामने, मिथ वर्सेस फैक्ट। आज हम जिक्र करेंगे बिना राजनीतिक तूतू मैमे के, विश्लेषण बहुत जरूरी है। जीवन में हर खबर सच्ची नहीं होती है, इस बात को ध्यान रखना होगा। ये दोनों चेहरे जिन्हें आप देख रहे हैं, तमाम न्यूज चैनल्स पर बेबाक राय देखते और आप सुनते होंगे आप इनकी, इनका वैसे परिचय कोई अपने परिचय के मोहताज नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको उनका परिचय दे देता हूं। मेरे साथ प्रेम कुमार जी जुड़े हुए हैं, राजनीतिक विशेषक हैं, अपनी बेबाक राय के लिए जाने जाते हैं और तमाम राजनीतिक मुद्दों पर खास तौर पर इनकी बेहद मजबूत पकड़ है। और साथ ही मेरे साथ AK मिश्रा जुड़े हुए हैं, राजनीतिक विशेषक हैं, ये भी तमाम न्यूज चैनल्स पर अपनी बेबाक राय के लिए जाने जाते हैं और विदेश मामलों में खास तौर पर इनकी मजबूत पकड़ है। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। तो मिथ क्या और फैक्ट क्या, आज इसी का हम जिक्र करेंगे। तो मिश्रा जी, मैं इस चर्चा की शुरुआत आपसे साथ करना चाहूंगा। तमाम तरह के मिथ और फैक्ट, हमारा पहला मुद्दा, शुक्रवार को देश के प्रधानमंत्री ने कोची में INS विक्रांत दिया देश को, इसके मायने क्या है, क्यों इसे बाहुबली कहा जा रहा है। देखिए चावला जी, मैं आपको बताऊं, स्पेशली चाइनीज गवर्नमेंट, चाइनीज मीडिया इसको जो है बहुत ज्यादा तवज्जो नहीं दे रहा है, बहुत तरह की अफवाहें इसको फैला रहा है। एक टर्म बहुत प्रचलित हुआ इसी के जो है लॉन्चिंग के टाइम से कि ब्लू वाटर नेवी। अब जरा समझिए इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। 1971 में जो वार हुई थी, अमेरिका ने अपना सातवां बेड़ा भेजा था, सबको याद है। यानी कि ये जो फ्लीट पूरी चलती है, एयरक्राफ्ट कैरियर है, नेवी के ऊपर राज करने का एक यंत्र है, एक पोत है। अमेरिका पूरी दुनिया पे राज करता है, तो इसलिए राज करता है कि 90 से ज्यादा ठिकाने हैं उसके, नेवल बेसेस है, 7,000 से ज्यादा हमारी कोस्टल लाइन है। जितने फिजिकल पैरामीटर है वो दर्शकों ने पढ़ लिए होंगे कि 20,000 करोड़ से बना है, लंबाई वगैरह ये है, 30 से ज्यादा जहाज इसके ऊपर खड़े हो सकते हैं। आज चाइनीज सी के लिए चाइना क्लेम कर रहा है, वो बोल रहा है कि इसमें कोई नहीं है, हमारा जो निकटतम प्रतिद्वंदी है वो चाइना है, और चाइना को सी में अगर काबू में रखना है तो इस तरह के यंत्र या जो है पोत हम लोगों के पास होने चाहिए। ये अपने आप में एक पूरी जो है छावनी है जिसमें एयर फोर्स और नेवल फोर्स दोनों जो है संयुक्त रूप से यहाँ पे रहती है। ये फोर्स मल्टीप्लायर है और अपने सेना की क्षमता को इतना ज्यादा बढ़ा देती है कि जिसके बारे में कोई अंदाजा नहीं होता है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, दुनिया पे राज वही करेगा जिसके पास ब्लू वाटर नेवी है। ब्लू वाटर नेवी के कॉन्सेप्ट को भी समझ लीजिए, नेवी की पावर के हिसाब से, ऑपरेशनल कैपेसिटी के हिसाब से तीन तरीके की नेवी होती है। पहला होती है ग्रे वाटर, ग्रे वाटर का मतलब हो गया कोस्ट गार्ड वगैरह जो हो गया, ब्राउन वाटर हो गया, छोटे दूरी तक कवर करते हैं आपके सी शोर से। दूसरा ग्रीन वाटर, ग्रीन वाटर इंडिया के पास पहले था और ग्रीन वाटर में फ्यू हंड्रेड माइल्स अवे जाकर के नेवी ऑपरेट करती है, जितने वाणिज्यिक जहाज है उसमें आते हैं,
ब्लू वाटर का मतलब होता है डीप सी में पूरी दुनिया में कहीं पे भी जाने की कैपेबिलिटी हो। कल को अगर चाइना से वॉर होता है तो हमारा ये एक जो पोत है अगर ये कहीं पे भी खड़ा हो जाएगा स्टेट ऑफ मलाइका में और इन सब जगहों पे, तो चाइना की पूरी ब्लॉकेट कर देगा। कल को फ्यूचर में इसके प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशंस देखिए, अगर चाइना बोलता है कि चाइना सी हमारा है कोई ना आए, और क्वाड वगैरह जो बना है जिसमें इंडिया भी एक पार्टिसिपेंट है, एक उसका अहम रोल है इंडिया का, तो इंडिया भी बोल सकता है कि इंडियन ओशियन हमारा है इसमें कोई ना आए। तो पूरा कोस्ट गार्ड पूरे अपने समुद्री सीमा की रक्षा के लिए जितनी चीजें होनी चाहिए, ये बाहुबली इसीलिए बोला जा रहा है कि अपने 140 करोड़ आवाम की रक्षा, अपने क्षेत्र के सारे समुद्री जो है क्षेत्र की रक्षा, इसके साथ साथ विदेश में भी अगर कहीं जरूरी हुई तो कोस्ट पे ले जाकर के बीच समुद्र में अगर हमने ये खड़ा कर दिया, तो आप ये मानिए कि ये केवल एक विमान वाहक पोत नहीं है, एक पूरी मिलिट्री की यूनिट छावनी वहां पे खड़ी है एयरफोर्स की। नहीं, चीन इतना बेचैन क्यों है? हम प्रभावित कर मैं, सकते हैं। मैं मिश्रा जी ये समझना चाहूंगा आपसे, ये चीन इतना बेचैन क्यों है आईएनएस विक्रांत को देख के? चीन इतना बेचैन उसके पीछे ये है कि देखिये ये कैपेबिलिटी हासिल करना पूरी दुनिया में केवल 4-5 देशों के पास है, इंडिया ये छठा देश बना है, तो आपका दुश्मन क्यों चाहेगा कि ये नेवी में सबसे सुपर पावर कैपेसिटी आप इसको बोल सकते हैं कि ब्लू वाटर नेवी को बनाना बहुत मुश्किल है, उस लेवल को पाना जो है बहुत मुश्किल है। चाइना के पास भी ब्लू वाटर नेवी है, एक रीजन तो ये हो गया। दूसरा रीजन ये हो गया कि अगर हमारे पास ब्लू वाटर नेवी है, एक दो युद्धपोत किस तरीके से हो गए, अगर एक हमने बे ऑफ बंगाल में खड़ा कर दिया तो स्टेट ऑफ मलाइका जो है वहां से चीन की पूरी बैरिकेडिंग हो जाएगी, चाहे उनके नेवल शिप हो, चाहे उनके जो है बिजनेस से रिलेटेड शिप जो होते हैं, और अंडमान निकोबार द्वीप समूह के ये बहुत पास पड़ता है, एक शिप पूरे चाइना या पूरे उस पोर्शन को, दुनिया के उस पोर्शन के पूरे रास्ते को ब्लॉक कर सकता है। यानी सबसे ज्यादा जो है वो बेचैन दिखाई दे रहा है। मैं एके मिश्रा जी आपके पास आऊं, लेकिन उससे पहले मैं प्रेम जी आपके पास आना चाहूंगा। ये आईएनएस विक्रांत जिसके काम का जिक्र किया जा रहा है कि 2009 से ये ऑपरेशन शुरू हुआ और 2022 में जाके ये ऑपरेशन कामयाब होता है, लेकिन देश के लिहाज से ये कितनी बड़ी ताकत और कितनी बड़ी कामयाबी, आप किस नजरिए से देखते हैं? देखिए चावला जी, इसका सबसे बड़ा महत्व ये है, हमारा जो ज्योग्राफिकल स्थिति है, अवस्थिति है, ये हमें इसका महत्व बताता है। हमारा समुद्र के साथ सबसे बड़ी सीमा है, और नेचुरली जो जमीन वाली सीमा है वो भी हिमालय से भी प्रोटेक्टेड है, और फिर भी चाइना और पाकिस्तान के साथ हम हमेशा चुनौती का सामना करते हैं। लेकिन जब हमारी समुद्री सीमा कमजोर हुई अतीत में कभी, तो आपने देखा कि विदेश से सारे लोग आए और हम हमारे देश में आ गए, हमने गुलामी का एक लंबा जीवन दिया। तो आज वो उस इम्पोर्टेंस को देखे तो ये समुद्री सीमा की रक्षा करने की एबिलिटी इस आईएनएस विक्रांत से हमें मिलती है। कम से कम हम मैच करते हैं चाइना की चुनौती से, हम मैच करते हैं। हम ये नहीं कहते कि चाइना से हम ज्यादा ताकतवर हो गए, लेकिन चाइना जिस तरीके से श्रीलंका के हम्बनटोटा बंदरगाह का दुरुपयोग कर रहा है, जहां से वहां जासूसी पोत भेज करके हम पर निगरानी कर ले रहा है, इसलिए क्योंकि हमारे पास आईएनएस विक्रांत नहीं था, लेकिन अब हमारे पास आईएनएस विक्रांत है, अब हम उनको मैच कर सकते हैं, उनको बराबरी कर सकते हैं, यही उनकी के लिए चिंता का विषय भी है। देश के दुनिया के 5-6 देशों में जिनके पास ये क्षमता है, वो क्षमता हमारे पास आ गई है। और समुद्र के जी प्रेम जी, लेकिन जो बात मिश्रा जी कह रहे थे कि भाई चीन के बढ़ते जो समुद्री खतरे को जवाब देने के लिए अब हम पूरी तरह से सक्षम हो चुके हैं, क्या इसे अब मान लिया जाए कि नहीं भाई जो चीन की चालाकी थी उसको हम काबू कर सकेंगे इस समुद्री ताकत से? मैंने पहले भी कहा कि इस हम चीन से ताकतवर हो गए हैं यह स्थिति नहीं है, लेकिन चीन एक तरफा हम पर जासूसी कर लेगा, हम पर कुछ हमले कर लेगा, उसको रोकने की क्षमता हमारे पास आ गई है। तो हम ये नहीं कह सकते कि हम उन पर मनमानी कर लेंगे चीन पर, लेकिन चीन को हमारी हम पर मनमानी करने के लिए अब हम रोक सकते हैं, ये क्षमता आ गई है, ये यही इसका महत्व है। और ये जिक्र भी किया गया कि भाई जो सपना, ये खासतौर पर सपना सीडीएस जनरल विपिन रावत ने देखा था और इस सपने को साकार किया गया है, अब
लेकिन ये खास तौर पर जो पाकिस्तान में भी जो हालात बने हुए हैं, मैं इसका जिक्र इसलिए भी लेकर आ रहा हूं क्योंकि दोनों पड़ोसी जो मुल्क हैं हमारे, वो दोनों ही हमसे नाराज और खफा रहते हैं, भले ही भारत दिल बड़ा कर ले। और इसका जिक्र मैं मिश्रा जी से भी कर रहा था और लोग कमेंट करके पूछ भी रहे हैं कि भाई पाकिस्तान को खास तौर पर किस नज़रिए से देखा जाए। पाकिस्तान जहां पर बाढ़ के हालात बने हुए हैं, वो खुद दाने दाने को मोहताज हो रहा है, इससे किस परिप्रेक्ष्य में देखा जाए? और एक तरफ भारत की बढ़ती हुई ताकत दिखाई दे रही है, क्या ये मान लिया जाए अब हमारा सीधे तौर पर लक्ष्य यही है कि किस तरह से चीन को हमने कॉम्पीट करना है? देखिए, हम एक छोटा उदाहरण रखते हैं, तमाम ताकत के बावजूद किस तरीके से नशा हमारे पोर्ट पर आ जाता है, किस तरीके से वो आतंकवादी लोग समुद्र के रास्ते से घुस करके ताज पर अटैक कर देते हैं। ये सारी क्षमता जो है, कम से कम उन लोगों को रोकने, उन घटनाओं को रोकने की क्षमता तो हमारे पास पहले भी थी जी। आज हम थोड़ा और क्षमतावान हुए हैं, लेकिन इतना काफी नहीं है कि हम तकनीकी रूप से, हथियार के रूप से केवल सक्षम हो जाएं तो उन चुनौतियों को का सामना कर, हमें पॉलिटिकली भी और जियोपॉलिटिकली भी दोनों तरीके से अपने आप को मजबूत करना होगा। हमें साथी तलाशने होंगे, हमें बड़े गठबंधन में आना होगा, जैसे क्वाड का जिक्र किया एके मिश्रा जी ने, क्वाड एक मजबूत गठबंधन है। इस तरह के हमें एशियाई देशों के बीच में जो एक गठबंधन होता है सहयोग का, उसमें हम पिछड़ रहे हैं, पहले बहुत मजबूत हुआ करते थे। आज हम दक्षिण एशियाई देशों का संगठन सार्क हुआ करता था, आज उसमें हमारी गतिविधि कमजोर है। या यूं कहें कि चाइना ने एक बढ़त ले ली है अलग से सिल्क मार्ग, हालांकि वो असफल होता दिख रहा है, उसके अलग कारण, लेकिन उसने एक बढ़त ली है नए नए सदस्यों को जोड़ने की। हम उसमें राजनीतिक कारण से नहीं जुड़े और कूटनीतिक कारण भी रहे उसके, लेकिन ये एक मैच जरूरी है कि हम कैसे अपने मित्र बढ़ाएं, कैसे गठबंधन में मजबूत रहें दुनिया के स्तर पर। अगर वैसा होता है तब ये चाइना, हम उससे हथियार में भी बराबरी कर रहे हैं, तो हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, न पाकिस्तान वो आतंकवादी गतिविधियों को आगे बढ़ावा दे सकता है। मिश्रा जी, मैं दूसरे मुद्दे की तरफ रुख करूं क्योंकि दूसरा मुद्दा भी बेहद दिलचस्प है और तमाम चैनल्स में आप लोग जो है उस मुद्दे पर इन दिनों खासी डिबेट्स कर रहे हैं। मैं थोड़ा अभी जो है जल्दबाजी होगी उस विषय पर पहुंचना मैं जानता हूं, लेकिन क्योंकि आप दोनों ही राजनीतिक पंडित भी हैं, मैं वो सवाल आपसे पूछूंगा बाद में। लेकिन पहले जो बात प्रेम जी कह रहे हैं कि ये कहना बहुत जल्दबाजी होगा कि भाई हमने जो है चीन पर दबदबा बना लिया, लेकिन हाँ पाकिस्तान के संदर्भ में मैं आपसे समझना चाहूंगा, जो हालात इस वक्त पाकिस्तान के हैं, पूरा का पूरा पाकिस्तान डूबा हुआ दिखाई दे रहा है बाढ़ में और हाथ फैलाए सबकी तरफ देख रहा है, लेकिन भारत से मदद नहीं चाहिए। नहीं चावला जी, देखिए पाकिस्तान तो मैं समझता हूँ ऐसा कोई बहुत बड़ा पॉइंट नहीं है कि उसको डिबेट में नेशनल या इंटरनेशनल लेवल पे इम्पोर्टेंस दिया जाए। बाढ़ अगर वहाँ आई है तो वो बड़ी बड़ी बातें करने वाले जो बोलते हैं कि हम भारत को 10 घंटे में फतह कर लेंगे, इतने दिन में फतह कर लेंगे, एक बाढ़ को तो वो मैनेज कर नहीं पा रहे हैं, सारी चीजें छोड़िए रेस्क्यू ऑपरेशन तक नहीं कर पा रहे हैं, और बोलते हैं कि दुनिया की एक बहुत बेहतरीन आर्मी हमारे पास है, एयरफोर्स हमारे पास है, न जाने क्या क्या वो क्लेम करते रहते हैं। बाढ़ भारत में भी कुछ जगहों पे आई है, लेकिन यहाँ पे आप देखिए नेवी वगैरह डिजास्टर मैनेजमेंट हेलीकॉप्टर वगैरह का यूज करके लोगों को वहां से निकाल रहे हैं जी। तो मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान जो है कहीं पे भी कॉम्पिटिशन में नहीं है, ना इकोनॉमिक वे में, ना मिलिट्री पावर के बेस पे देखा जाए, ना ग्लोबल इमेज के बेस में देखा जाए। जो पहले हम बात कर रहे थे पाकिस्तान को, उसके हाल पे छोड़ दीजिए, एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि हर एंगल से, चाहे ये विक्रांत की लॉन्चिंग रही हो और इकोनॉमिक जो अभी हमारा 13% GDP रिकॉर्ड की गई है, हमारे जो मित्र देश है स्पेशली छोटे छोटे, बर्मा हो गए, भूटान हो गए, नेपाल हो गए, उनके मन में भी एक साहस आता है कि भाई अगर हमारा मित्र भारत है तो वो हमें चाइना से बचा सकता है। एक परसेप्शन बिल्ड होता है, एक कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है। क्वार्टर के या दुनिया भर में जहां पे भी हमारे जो रिलेशंस हैं जिन देशों से अच्छे, देखिए आपके पास जब ताकत होती है ना तो लोग आपके ऊपर विश्वास करते हैं। ग्लोबल कम्युनिटी भी आपको ब्लैकमेल नहीं कर सकती है। आपको याद होगा कि अमेरिका ने कभी कावेरी इंजन वगैरह देने से मना कर दिया था, ऐसे बहुत वाकये हुए हैं। ये उपलब्धियां इकोनॉमिक और ये मिलिट्री पे, इन सब चीजों पे जो इंडिजिनस हम बता रहे हैं, मैंने आपको बोला इस दुनिया में आज की डेट में सबसे ज्यादा कठिन लक्ष्य अगर किसी देश को है तो ब्लू वाटर नेवी का तमगा लेना, उस लक्ष्य को हासिल करना। आप लोग सर्च करिएगा, ये बहुत मेहनत
बहुत टीडियस काम है, अदरवाइज जल्दी कोई हासिल नहीं कर पाता है। ठीक है, हमें थोड़े और इस तरीके के युद्ध पोत INS विक्रांत की तरह इंडिया को 4-5 होने ही चाहिए, केवल अपने उसके लिए, वर्ल्ड पे दबदबा कायम करने के लिए तो काफी होने चाहिए। बिल्कुल, ये सारी चीजें ऐसी हैं कि पाकिस्तान कहीं पे भी स्टैंड नहीं करता है। उनके यहाँ बाढ़ आई है, उनको उनके नहीं, पाकिस्तान का जिक्र मैंने इसलिए किया क्योंकि वो हमारा पड़ोसी मुल्क तो है ही है, लेकिन लोगों की दिलचस्पी इस कार्यक्रम के दौरान जो तमाम कमेंट्स आ रहे थे, मुझे लगा कि ये सवाल को शामिल कर लिया जाए और मसला बेहद क्योंकि वो वेस्टेज ऑफ टाइम ही होगा पाकिस्तान पे डिस्कस पाकिस्तान करना, क्योंकि जो ये बोल रहा है कि लेकिन जो ये बोल रहा है कि हम जी मदद नहीं लेंगे, तो आप करिए अपना, तैर के निकलिए बाढ़ से। चलिए, AK मिश्रा जी और प्रेम जी, अब मैं एक और बेहद दिलचस्प दूसरे मुद्दे पर आऊंगा, दूसरे टॉपिक पर आऊंगा, और ये दोनों टॉपिक जो है, अब मैं 2024 के चुनाव पर आऊंगा क्योंकि आप दोनों को राजनीतिक पंडित भी माना जाता है और तमाम न्यूज चैनल्स पर आप लोगों की जो हम डिबेट्स देखते और सुनते हैं, और अधिकतर क्योंकि प्रेम जी के साथ कई दशक हो गए साथ में, क्योंकि इनके कई मर्तबा ऐसा हुआ, इनकी जो भविष्यवाणियां मैंने खुद बिल्कुल जो है सटीक होते हुए देखी है, मैं प्रत्यक्षदर्शी हूं। तो मैं शुरुआत इस विषय की प्रेम जी आपसे कर रहा हूं, दूसरा मुद्दा 2024 का चुनाव, और 2024 के चुनाव में मोदी वर्सेस कौन, ये भी एक सवाल है, और क्या ये वाकई जल्दबाजी नहीं है, क्योंकि अभी चुनाव का शंखनाद हुआ नहीं लेकिन तैयारी अभी से ही शुरू हो गई है विपक्षी दलों की, क्या इसके मायने हैं, मैं आपसे समझना चाहूंगा। प्रेम जी, सबसे पहला सवाल मेरा ये कि राजनीतिक हवाओं का रुख देखकर आप भाप जाते हैं कि हवा किस ओर चल रही है, आपका क्या अनुमान है? ये तो जल्दबाजी है, ये तो बीरबल की खिचड़ी की नीतीश कुमार कह रहे हैं कि भैया नहीं, मैं हूं देश का अगला प्रधानमंत्री, वहां से राहुल गांधी अपनी तैयारी कर रहे हैं, KCR अपनी तैयारी कर रहे हैं, ममता दीदी अपनी तैयारी कर रहे हैं, अखिलेश अपनी तैयारी कर रहे हैं, चल क्या रहा है 2024 के लिहाज से, आपका आकलन? जी जी तिलक जी, ये बहुत बड़ा सवाल है और इस पर बहुत चर्चा हो रही है, इस पर नजरिया भी थोड़ा आना चाहिए, दर्शकों का भी मार्गदर्शन भी होना चाहिए, दर्शक भी इसमें बहुत दिलचस्पी रखते हैं इस विषय में कि 2024 में क्या होने वाला है। देखिए, एक हम परंपरागत सोच लेकर के चलते हैं कि लोकसभा का चुनाव यानी एक तरफ सत्ता पक्ष और दूसरा तरफ विपक्ष। जी, विपक्ष का मतलब ये नहीं है कि सत्ता को चुनौती देने वाला सब इकट्ठा हो गया विपक्ष, विपक्ष भी अलग अलग राजनीतिक इकाइयां हैं, उनकी अपनी सोच होती है, वो किसी पार्टी को हटाने के लिए इकट्ठा हो जाए कि अपनी सरकार बनाने के लिए इकट्ठा हो जाए, ये दोनों अलग अलग बातें हैं। मैं आज की तारीख पे ये नहीं देख पाता कि सारा विपक्ष इकट्ठा होकर के बीजेपी को सत्ता से हटाने की कोशिश कर रहा हो, ऐसा नहीं है। न खुद सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस के एजेंडे में ये बात है कि कोई ऐसा कुनबा खड़ा हो या राष्ट्रीय स्तर पर जिसका कि कांग्रेस नेतृत्व करे या कांग्रेस से इतर भी किसी को नेतृत्व दिया जाए, ये उनके भी माइंड में नहीं चल रहा है, उनके भी प्लान में नहीं चल रहा है। क्या चल रहा है? चल ये रहा है, तीन तरह से चीजें चल रही है। एक तो सत्ता पक्ष की अपनी चीज है, दूसरा है कि महागठबंधन जैसी चीज जो जिस राज्य में पॉसिबल हो, बिहार में पॉसिबल हो तो बिहार में किया जाए, बिहार में हो चुका है एक तरह से समझिए, और उत्तर प्रदेश में हो सकता है कि महाराष्ट्र में हो सकता है, लेकिन सभी राज्यों में यह नहीं हो सकता महागठबंधन का की पॉलिटिक्स, लेकिन जिस जगह महागठबंधन हो सकता है वो हो। दूसरी तीसरी चीज है, जो क्षेत्रीय दल है वो अपने अपने इलाके में जो ये मानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की राजनीति उनके लिए भविष्य में चुनौती है, जैसे ममता बनर्जी के लिए साफ चुनौती भारतीय जनता पार्टी की राजनीति है, या तेलंगाना में भी वो मान रहे हैं के चंद्रशेखर राव, तो जो लोग ऐसा मान रहे हैं और देख रहे हैं कि हमारी चुनौती बीजेपी से है, तो वो क्षेत्रीय स्तर पर खुद को मजबूत करने की कोशिश कर रही है। इसके अलावा ऐसे ऐसे लाइक टाइप मतलब एक तरह की राजनीति करने वाले जैसे ममता बनर्जी, KCR और दूसरे लोग, ये आपस में एक तरह से मिलना जुलना और पोस्ट इलेक्शन का जो सिनेरियो है वो डेवलप करते दिखते हैं। यानी ये है कि चुनाव से पहले एक कॉमन बात क्या है कि भारतीय जनता पार्टी जो सरकार में है, आपने तो कई चुनाव देखे ना, और कई चुनाव आपकी आंखों के सामने, आप खुद प्रत्यक्षदर्शी हैं, मैं ये आपसे जानना चाह रहा हूं, जो ये तीसरे विकल्प, तीसरा मोर्चा, तीसरी ताकत का जिक्र किया जा रहा है, ये तो दिखाई देता है, संभव दिखाई देता है आपको, ये हो सकता है क्या? मैं ये कह रहा हूं कि इस चुनाव में ट्रेडिशनल तरीके छूट जाएंगे,
तीसरा मोर्चा, चौथा मोर्चा, इस तरह से बात नहीं होने जा रही। इस चुनाव में बात इस रूप में हो रही है कि जो जहां भारतीय जनता पार्टी को चुनौती दे सकता है वो दे, जो जहां क्षेत्रीय स्तर पर अपने प्रदेश में दे, उसको जो सहयोग कर सकता है वो सहयोग करेगा, लेकिन गठबंधन महागठबंधन जहां होगा वहां होगा। मूल बात यह है कि जो इस सरकार के खिलाफ जो जनता में एंटी इनकम्बेंसी है या इसको हटाने की जो लोग जरूरत महसूस करते हैं, वो अपने अपने हिसाब से स्वरूप ग्रहण करें, राष्ट्रीय स्वरूप ग्रहण करें। नहीं, नहीं, तो फिर ऐसी स्थिति में, ऐसी स्थिति में एके मिश्रा जी जो बात प्रेम जी कह रहे हैं, ऐसी स्थिति में फिर कांग्रेस का क्या क्या अस्तित्व की लड़ाई लड़ते हुए वो हथियार डाल देगी और वो ये साबित कर देगी कि भैया ठीक है हमारे बस की नहीं है और आप लोग कर सकते हो तो कर लो। आपके इस प्रोग्राम का जो टाइटल है ना, नाम मिथ वर्सेस फैक्ट, 2024 में वही होगा, मिथ वर्सेस फैक्ट होगा। देखिए तीन लेवल पे एनालाइज करेंगे, जनता, जनता के अंदर क्या मिथ है क्या फैक्ट है वो सामने आएगा, नेशनल पॉलिटिकल पार्टियों के बहुत सारे भ्रम और मिथक वगैरह टूटेंगे, फैक्ट सामने आएंगे, और इंटरनेशनल लेवल पे देखिए बीजेपी वर्सेस अदर्स को अगर देखा जाए तो जहां बीजेपी की पोजिशनिंग होती है कि राष्ट्र प्रथम है और लॉन्ग टर्म योजनाओं को लेके, वही विपक्ष प्रैक्टिकल लाइफ की, डे टू डे लाइफ की बातें करता है, बेरोजगारी की, महंगाई की, इन सब चीजों की। अब इसमें जो भी परसेप्शन बनाने में जीत गया, अगर मान लीजिए कि विपक्ष जीत गया महंगाई वगैरह इन सबको मुद्दे बना करके, तो इसका मतलब जनता का मूड डे टू डे लाइफ की जो शॉर्ट टर्म प्रॉब्लम होती है उस पर फोकस ज्यादा है। अगर वापस बीजेपी आ गई तो इसका मतलब है कि जनता इस मूड में है कि भावना प्रधान जो मुद्दे हैं, जैसे राष्ट्र प्रथम का मुद्दा हो गया, भारत को विश्व गुरु बनाना, ये सब लॉन्ग टर्म है जिसके रिजल्ट इमीडिएट नहीं आते हैं। तो आप समझ जाइएगा कि जनता जो है एकदम कृतबद्ध हो गई है अपने राष्ट्र को जो है विश्व गुरु बनाने के लिए, और उसके लिए वो और इंतजार कर सकती है, और जो डे टू डे लाइफ के प्रैक्टिकल मुद्दे होते हैं वो मुद्दे हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगे। यानी प्रेम जी, ये जो बेरोजगारी, रोजगार, महंगाई, ये तमाम मुद्दे गौण हो जाएंगे, सिर्फ अगर मैं मिश्रा जी की बात को समझूं तो राष्ट्रवाद, विश्व गुरु, इस तरह के जो अमृत महोत्सव, इस तरह के जो बातें हैं वो जनता के जहन में रहती है वोट डालते हुए। क्या आप इस बात से इत्तेफाक रखते हैं जो एके मिश्रा जी कह रहे हैं? मुझे नहीं लगता, मैं सहमत नहीं हूं कि जनता वर्तमान को, अपनी तकलीफों को, वैसी योजनाओं को जिसमें जनता के स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में कुछ सुधार की उम्मीद हो, अगर वो चीजें नहीं है तो शासन का मूल मकसद जो है वो खत्म हो जाता है। और विश्व गुरु बनना तो एक कपोल कल्पना है। विश्व गुरु कौन देश, हर देश विश्व गुरु बनना चाहे तो क्या बन जाए? और विश्व गुरु बनना तो एक हसीन सपना है। जब हम गरीबी में दुनिया में पिछड़े देशों में जाते हैं, कुपोषण में हम पीछे गिने जाते हैं, दूसरे मानकों में, बेरोजगारी में हम सारे रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं, तो फिर किस किस्म का विश्व गुरु बनना है? क्या हम भूखे नंगे होकर के विश्व गुरु हो सकते हैं क्या? तो ये वो हसीन सपने हैं जिनसे इन बातों को, यथार्थ को, वास्तविकता को ढकने की कोशिश की जाती है। लेकिन एक सच्चाई प्रेम जी, एक सच्चाई ये भी तो है जो बात एके मिश्रा जी समझा रहे हैं कि चुनाव जो है वो नैरेटिव और परसेप्शन पे लड़ा जाता है। चाहे हम उत्तर प्रदेश का ही चुनाव क्यों ना देख लें, यहां पर भी राशन और शासन का जिक्र किया गया, था धरातल पर या नहीं था, लेकिन उसका इफेक्ट तो दिखाई दिया और तभी चुनाव बीजेपी जीत पाई कि नहीं? बिल्कुल बात सही है कि कोई भी चुनाव नैरेटिव पर ही होता है। जब 2014 में नरेंद्र मोदी जी और उसकी पृष्ठभूमि में अन्ना आंदोलन चला, जो यही नैरेटिव सेट हुआ कि कांग्रेस की सरकार भ्रष्ट है, लेकिन वो बातें बाद में गलत ही साबित हुई। आज तक तो उस भ्रष्टाचार को साबित नहीं किया गया, लेकिन वो भी एक नैरेटिव था। जब 2019 में नरेंद्र मोदी जी जीत कर आए तो वो पुलवामा के बाद का राष्ट्रवाद था, उसका उसकी भूमिका मानी जाती है। और लेकिन अब जो चुनाव होने वाला है उसका नैरेटिव क्या होगा कि 8 साल में पहले जो प्रधानमंत्री विश्व गुरु बनाने का दावा करते थे वो कहते अब ये चीज 2047 में हो, यानी नरेंद्र मोदी जी के प्रधानमंत्री रहते हुए देश विकसित देश नहीं बनेगा, इसकी स्वीकारोक्ति हो गई है। उन्होंने लाल किले से उन्होंने कहा है कि 2047 तक हमें विश्व गुरु बनने के लिए या विकसित देश होने के लिए इंतजार करना पड़ेगा। तो ये जो नैरेटिव सेट हो रहा है, ये नैरेटिव वर्क करेगा?
तो ये एके मिश्रा जी, आप मुझे ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई विपक्ष कितना भी जोर लगा ले, लेकिन मोदी जैसा चेहरा तलाश पाना मुश्किल है और एकमात्र विकल्प बचता है जनता के पास, और ये बीजेपी ने नैरेटिव सेट किया है। नहीं नहीं, मैं ये बोल रहा हूँ कि क्या मिथ है क्या फैक्ट है 2024 में पक्ष और विपक्ष दोनों के लिए जो है ये एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। अगर विपक्ष जीतती है या पक्ष जीतता है तो आप समझ लीजिएगा कि जनता का मूड क्या है, ये बहुत क्लियर कट तरीके से और बहुत स्थिर तरीके से हम उसको मान लेंगे कि लॉन्ग टर्म ये रहने वाला है। दूसरा पॉइंट मैंने चावला जी ये बोला था कि राष्ट्र में जो जितनी भी पॉलिटिकल पार्टी हैं उनके भी बहुत सारे मिथ बस्ट होंगे और फैक्ट सामने आएंगे। अब की बार अगर ये लोग एक नहीं हो पाए या किसी भी तरीके से जो उद्देश्य है कि चुनाव को जीतना, अगर ये नहीं कर पाए तो मुझे नहीं लगता है कि फिर ये कभी भी कर पाएंगे, क्योंकि 5 साल का टाइम बहुत होता है और उसमें सत्ता पक्ष। अच्छा, ईमानदारी से मैं एक सवाल आपसे पूछ रहा हूँ, क्योंकि जनता भी ये समझना चाहेगी, हवाओं का रुख क्या कह रहा है मिश्रा जी? नहीं, हवाओं का रुख नहीं, लेकिन अगर मैं लॉजिक के बेस में बात करूं, देखिए असंभव तो कुछ भी नहीं है, लेकिन बीजेपी को हराना या चुनौती देना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल ही है। मान लीजिए जिस हिसाब से विपक्ष की अभी चल रही है कि उधर केसीआर जो है वो बोल रहे हैं इनको जो है बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को कि आप पीएम के चेहरे हैं, और वो मानने को नहीं तैयार है, उठ के चले जा रहे हैं। तो ये जो एक मत नहीं हो पा रहे हैं, सॉलिड वे में स्ट्रेटजी नहीं बना पा रहे हैं, एक मंच पे नहीं आ रहे हैं, एक विचार वैचारिक रूप से एक मत नहीं हो पा रहे हैं, इत्तेफाक तो ये की बात है। फाइनल कमेंट आपका, हवाओं का रुख उनको लग रहा है कि अभी फिलहाल बीजेपी का ही दिखाई दे रहा है? देखिए, प्रधानमंत्री बना करके चुनाव लड़ना ये विपक्ष के लिए न जरूरी है न उसकी मजबूरी है। बात यह है कि अभी के समय में जैसे बिहार है, एनडीए बिहार में क्या परफॉर्म करने वाली है, यहीं से शुरुआत कर लीजिए। क्या 40 सीट में 39 सीट क्या बीजेपी को वापस एनडीए को मिल पाएगा? तो मेरा मानना है कि सिंगल डिजिट में रहेंगी। तब सिंगल डिजिट में अगर रहते तो कम से कम 30 सीटों का तो यहीं पर नुकसान है। तो 30 सीट और कौन से वो प्रदेश है जहां से वो जीतने वाली है बीजेपी या एनडीए, कहां से मिलेगा? क्या राजस्थान गुजरात मान लीजिए उस 100% रिपीट कर ले सब जगह, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो 30 सीटें कहां से आएंगी? तो आप मैजिक फिगर के आसपास यही ठहरे दिखते हैं। बंगाल में क्या 17 चंद्रशेखर इस तरीके से? नहीं, आपको कोई चंद्रशेखर और वीपी सिंह दिखाई देता है क्या? देखिए, आंदोलन से ही ये सारे लोग निकलते हैं निश्चित रूप से। अभी जो समय है उस समय में ये बेरोजगारों की जुबान कौन बनेगा, जो महंगाई का सवाल है इस पर, और दूसरे जो जन सरोकार के मुद्दे हैं उसको लेकर के कौन आगे बढ़ेगा इसमें। देखिए, राहुल गांधी कोशिश कर रहे हैं कि वो यात्रा निकाले। अब ये यात्रा क्या चंद्रशेखर की तरह इम्पैक्ट पैदा कर पाएगी, ये हम कुछ समय में देखेंगे। देश की नजर है इस पर तो, लेकिन ये नॉन पॉलिटिकल यात्रा है तो कितने गैर राजनीतिक रूप से लोगों को खड़ा करके वो इस आंदोलन से जोड़ पाते हैं, ये भी देखने की बात होगी। मुझे बहुत अच्छा लगा आप मिथ वर्सेस फैक्ट के इस कार्यक्रम में आए। एके मिश्रा जी, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। प्रेम जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आप दोनों का थैंक यू सो मच।